तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और आपको बताते हैं कि आप घर पे एक बढ़िया से हाई बीम वाले टॉर्च कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम पीवीसी पाइप का यूज़ करने वाले हैं और ये पीवीसी पाइप आपको इजीली हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा, बिजली फिटिंग की या फिर जो पानी फिटिंग की शॉप होती है वहाँ पर आपको ये इजीली देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं एक बैटरी और ये 3.7 या 4 वोल्ट की बैटरी है और लीड एसिड बैटरी है। इसकी जगह आप लिथियम आयन सेल भी यूज़ कर सकते हैं जो लैपटॉप में निकलता है, और इसके अलावा आप जो स्मार्टफोन की फ़ोन की बैटरी आती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी रिचार्जेबल बैटरी का यूज़ कर सकते हैं और ये आपको ईजिली शॉप पर मिल जाएगी। और इसके बाद हमें एक LED चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ अलग अलग LEDs हैं और एक दोस्तों एक बटन LED आती है जो दोस्तों बिल्कुल एक छोटी रहती है, हीट सिंक पे लगती है। मैं इमेज साइड में दिखा दूंगा, अगर आपको वो मिले तो सबसे अच्छी चीज़ वही है, आप उसका यूज़ करें। और एक इस तरह के आपके पास खाली कोई बोतल पड़ी हो तो हम उसका यूज़ करने वाले हैं और उसको हम हाफ से कट कर लेंगे ऊपर की साइड से दोस्तों। और हमें ये एक पुरानी टॉर्च या फिर आपके पास कोई ख़राब टॉर्च पड़ा उसमें से दोस्तों ये आगे का रिफ्लेक्टिंग वाला कोन रहता है जिससे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फॉइल पेपर होता है दोस्तों जिसमें आप किचन वगैरह में मिलता है, खाना वगैरह लपेट दें रोटी वगैरह, उसका आप यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह आप फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ही नहीं है आप इस बोतल के चारों साइड फॉइल पेपर लगा सकते हो। तो अभी मैं इसके अंदर सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये जो हमारी LED है इसके अंदर मैंने 2 वायर सोल्ड कर दिए हैं और दोस्तों काफ़ी मजबूती से आपको इसको सोल्ड करना है और ध्यान रखें कि ये दोनों टर्मिनल आपस में मिले नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसके अंदर मैं फ़िक्स कर दूंगा और फिक्स करने के लिए मैं ग्लू गन की हेल्प लूंगा। और PVC पाइप के अंदर मैंने 2 होल कर लिए हैं बिल्कुल छोटे छोटे, ये होल मैंने स्विच के लिए करे हैं। ये दोस्तों पुश स्विच होता है और जो ईयरफोन होता है कान में लगाने वाले उसके अंदर ये निकलता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपके पास कोई भी स्विच पड़ा हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसके दोस्तों वायरिंग करना बिल्कुल सिंपल है, अपोजिट साइड में एक एक वायर आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने वायर्स को ऊपर सोल्डिंग कर दिए और फेविक्विक की हेल्प से इसको मैंने चिपका दिया है और एमसील का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और इसको आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। अभी जो हमारी ये टॉर्च बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और मैं इसके आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ और एक बार मैं इसको नाइट में भी ऑन करके दिखा। आप अभी देख सकते हो इसकी अभी नाइट के अंदर भी इसकी काफ़ी अच्छी रोशनी है और ये बहुत ही बढ़िया आपको वर्क करेगी और बहुत ही कम पैसे में बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर हम आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। और यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।